ओके तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेम विथ चर्चिस, तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं चर्चिस का हर चीज डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में। मतलब कितने टाइप के चर्चिस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू चर्चिस भी दो टाइप में बांटा गया है कि किस किस इंजन कहाँ कहाँ रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चर्चिस का बांटा गया है। लोड के अकॉर्डिंग किस टाइप का चर्चिस का सेप हो ताकि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, बॉडी क्या है, फ्रेम क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपको हर चीज कवर करने का। सबसे पहला आपका मैं स्टार्ट करता हूँ, एक डाउट आता होगा जब भी आप पढ़ते होगे कि चर्चिस वर्ड और ये फ्रेम वर्ड में आता है डाउट। ओ हाँ, समझदार हो तो आता होगा, ठीक है, ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो पता होगा आपको, ठीक है। ओके ना, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चर्चिस होता क्या है, इसका डेफिनेशन आप क्या कहोगे चर्चिस का। देखो, आपके जो भी इंजन हो गया या पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम ले लो, गियर बॉक्स ले लो, ये प्रोपेलर शाफ्ट ले लो, ये एक्सल्स ले लो, ये एक्सल हो गया, ये फ्रंट एक्सल हो गया, ये एक्सल जिसमें व्हील लगा होता है, ठीक है, ठीक है, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया, यहीं पे आपके क्लच वगैरह लगा हुआ है, फ्लाई व्हील हो गया, क्लच हो गया, ये प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, ये एक्सल हो गया, इस एक्सल में ये व्हील है, ये व्हील है, ये क्या बैक एक्सल है, ये आपका फ्रंट एक्सल है, ये व्हील हो गया, ये व्हील हो गया, ये जो सारा चीज जो माउंट है ये किसी स्ट्रॉन्ग बॉडी, हाई स्ट्रेंथ हाई स्ट्रॉन्ग वाले बॉडी पे ये चीज माउंट होती है, क्योंकि इनका पहली बात तो इंजन का वेट, गियर बॉक्स का वेट, ये एक्सल पूरी बॉडी, आदमी जितने लोग बैठे हैं सबका इस एक्सल पे लोड, ये एक्सल भी तो किसी से अटैच होगा ना भाई। तो ये जो सारे चीजें हैं, ये सारे चीजें और भी ऑक्सिलरी पार्ट भी ले लीजिए, कुछ ऑक्सिलरी पार्ट, बैटरी हो गया, आपके स्टेयरिंग व्हील हो गया, सीट हो गया, बॉडी हो गया, ये सब एक फ्रेम पे, एक फ्रेम पे अगर साइड से देखोगे तो एक फ्रेम पे होते हैं, और फ्रंट से देखोगे तो कुछ इस तरीके का। ठीक है, ऐसा एक चेसी रहेगा डिजाइन से, इस पे ये सारी चीज लगे होंगे। तो जाहिर सी बात है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए, काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होना चाहिए ताकि हल्का सा बेंड होने पे ये क्रैक ना हो जाए, टूट ना हो जाए। तो ये जो बॉडी है, ये जो मटेरियल का बना है, ये जो पार्ट है जिसपे ये सारे पार्ट्स, मेन पार्ट्स हमारी कार का, हमारे व्हीकल्स का, इस पे लोड डालता है, इस पे एक्ट होता है, क्योंकि ये सारे इस पे रहेंगे तो लोड तो पड़ेगा उस पे, जो इन लोडों को सहता है वो वाले पार्ट को हम कहते हैं चेसिस। क्लियर हो गया, डिफरेंस बताऊंगा फ्रेम और चेसिस में क्या है। तो ऐसा पार्ट जो बाकी जितने ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं हमारे व्हीकल्स के, वो सारे उस पे ही निर्भर होते हैं, उसी पर ही लोड पूरा एक्ट होता है, उसी पे ही फिट होते हैं। तो वो जो चेसिस या जो फ्रेम है उसे हम कहते हैं चेसिस। क्लियर है, अच्छा मैं फ्रेम वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेम क्या है, फ्रेम भी सेम टू सेम चेसिस का ही काम करता है, ठीक है, बट चेसिस क्या है, मेन पार्ट है चेसिस को मैं बताऊंगा, इट इज अ मेन पार्ट, ठीक है, जो कि पूरे लोड को, जो भी इस पे लोड पड़ रहा है सहता है। जैसे इस ये मैंने बनाया है चेसिस, ठीक है, ये जो पार्ट है ये मैंने बनाया है चेसिस। क्लियर है, थोड़ा सा हैवी शेप का रहता है, देखना किसी कार में से ये हैवी शेप का, ठीक है, मैं मोटा कर दे रहा हूँ इनको, ये देखो हैवी पार्ट है, काफी ज्यादा थिक बनाते हैं, ये हमारा हो गया चेसिस। अब फ्रेम क्या होगा, फ्रेम में क्या डिफरेंस है, फ्रेम भी चेसिस की तरह देखो, ये चेसिस है, चेसिस में ही लगा होता है हमारा फ्रेम। फ्रेम का जनरली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको इंजन को सपोर्ट करना है, आप तो वैसे तो यहाँ पे अगर इंजन, ये चेसिस रेडी हो गया, चेसिस फुल डिजाइन इवोल्यूशन, डिजाइन के थ्रू, डिजाइन सिमुलेशन करके ही बनाया जाता है, हर चीज टेस्ट करते हैं, ऐसे ही कोई भी डिजाइन का चेसिस नहीं बना देते हैं। तो ये शेप का चेसिस बना है तो मतलब कुछ हमने पूरी लोड कैलकुलेशन के साथ ये डिजाइन बनाई है कि ये 2000 केजी तक का लोड पूरा सह लेगा, डिजाइन से बनाया। तो आपको यहाँ पे इंजन लगाना है, क्लियर है, यहाँ पे इंजन लगाना है, कैसे लगाओगे, गिर नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई कॉलम कहाँ है,
तो इस इंजन को यहाँ पे सेट करने के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा कॉलम बना दिया और इस कॉलम को ऐसा डिजाइन करके फिर हमने टेस्ट किया कि इस पे अगर हम इंजन रखेंगे तो ये जो कॉलम है ये इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, इसको यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, और रहे तो थोड़ा सा यहाँ से भी सपोर्ट दे दो, तो ये कॉलम पे अगर इंजन रहा तो स्ट्रांग रहेगा। तो ये जो मैंने डिजाइन बनाया चेसिस का एक्स्ट्रा पार्ट, ये इसको कहते हैं फ्रेम, या तो आपका जो एक्सल है इस एक्सल को सपोर्ट देने के लिए, स्ट्रांग देने के लिए ऐसा पार्ट इधर हम इधर पार्ट लगाए और ये ऐसा क्रॉस बना दें इसके ऊपर ताकि एक्सल रखे तो ज्यादा लोड लगे तो इसमें एक हर तरफ बढ़ जाए लोड। ये हुआ फ्रेम हमारा। गियर बॉक्स रखने के लिए ये गियर बॉक्स यहाँ रखना, तो यहाँ गियर बॉक्स रखेंगे तो गिर नहीं जाएगा इसलिए ऐसा सेप हमने बना दिया। ये सब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है ये सब हमारा फ्रेम है, ठीक है। और चेसिस क्या है, हमारा मेन पार्ट्स इज चेसिस, फ्रेम जस्ट अ सपोर्टिंग मेंबर, क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम दूसरे टॉपिक पे इसी पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस में जनरली हम दो टाइप से ही सिर्फ चेसिस को क्लासिफाई करते हैं, सिर्फ दो टाइप, याद रखना, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है डिटेल में जाने का, इतना काफी है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ इंजन, इंजन की पोजिशन आपके चेसिस पे कहाँ है उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं वो किस टाइप का चेसिस है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चेसिस हो गया, ठीक है, थोड़ा डिजाइन कर देता हूँ इसमें, ड्राइंग पे मत जाना बस समझने की कोशिश करो। ये हमारा चेसिस हो गया, ये इंजन को मैं यहाँ रख दिया, तो ये हो गया फ्रंट, क्या नाम है इसका, सेमी फॉरवर्ड चेसिस या कन्वेंशनल चेसिस, ओके दिस इज कन्वेंशनल चेसिस, ठीक है। ये ड्राइवर कैबिन हो गया, ड्राइवर कैबिन, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ठीक है, इतने रेंज में ड्राइवर हमारा बैठेगा, तो दैट इज ड्राइवर कैबिन के आगे जो लगता है, कन्वेंशनल टाइप हो गया चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस, ठीक है, इंजन हमारा मान लो यहां रख दिया हमने, इंजन मैंने यहां रख दिया, हाफ ऑफ पोर्शन ड्राइवर कैबिन में है, हाफ ऑफ पोर्शन हमारा सामने है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी फॉरवर्ड चेसिस। फुल फॉरवर्ड चेसिस में क्या होता है, पूरा का पूरा जो ड्राइवर केबिन है ना, ड्राइवर केबिन में ही हमारा इंजन सेटअप होता है, ड्राइवर केबिन वाला जो एरिया है वहीं नीचे में चेसिस में हमारा इंजन सेट होता है। फुल फॉरवर्ड चेसिस हो गया। बस चेसिस क्या हो गया, इंजन चेसिस क्या हो गया, जनरली यहाँ पे रियर जो व्हील है यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम चेसिस को आगे भी बैक में भी यूज करते हैं, जस्ट ये इंजन को यहाँ यूज करते हैं बैक साइड में, ठीक है। अब इंजन कोई कोई होता है, इंजन अगर हम सेंटर पे रखें तो ऐसे इंजन एट सेंटर, तो इंजन की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इंजन को कहां पे रखें अपने चेसिस पे डिपेंड करता है, क्लासिफाई करता है चेसिस को, ओके। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इंजन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द चेसिस, ठीक है। सेकंड हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ व्हील फिटेड इन द व्हीकल। नंबर ऑफ व्हील से कैसे चेसिस क्लासिफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, देखिए अगर व्हील बेस, चलो मैं अभी व्हील बेस एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। व्हील बेस जनरली होता क्या है, ये पहला फ्रंट एक्सल हो गया, ये रियर एक्सल हो गया, आगे वाला एक्सल ये रियर वाला एक्सल, इस चक्के के सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस होता है इनको ही हम कहते हैं व्हील बेस। अगर ये व्हील बेस कम होगा तो जाहिर सी बात है चेसिस भी छोटा होगा, चेसिस छोटा होगा तो आपको फ्लोर स्पेस जो है वो कम मिलेगा, फ्लोर स्पेस इन द सेंस कि जो लगेज का स्पेस, आप जो केबिन में जो ड्राइवर्स बैठे हैं उनका स्पेस, पैसेंजर का स्पेस, चेसिस भी छोटा होगा, व्हील बेस अगर कम हुआ तो चेसिस भी छोटा होगा, व्हील बेस ज्यादा हुआ, इसकी तरह देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, व्हील बेस देखो इससे कंपेयर टू व्हील बेस ज्यादा है तो ये ज्यादा बड़ी चेसिस है, चेसिस बड़ी है तो फ्लोर स्पेस भी आपको काफी मिला है, तो फ्लोर स्पेस भी ज्यादा मिला है, तो इससे भी डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ ड्राइव व्हील, ठीक है, कि ड्राइव व्हील तो यहाँ पे अगर इसमें पावर दे रहे हो तो दूसरा जो व्हील इसमें भी पावर देना चाहते हो, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखोगे, उसके बाद फ्रंट व्हील और दूर रहेगा तो इससे क्या होगा चेसिस और बड़ा बन जाएगा। तो ये सब चीजें पे हमारे चेसिस की साइज, चेसिस की स्ट्रेंथ, ये सब डिपेंड करता है, ओके। तो अभी आपको दो चीजें रखना है, चेसिस को क्लासीफाई हमने किया है इंजन की पोजिशन से और व्हील बेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबर ऑफ व्हील्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ व्हील्स रखेंगे उतनी बड़ी चेसिस बढ़ती जाएगी। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इसी में मैं बोल रहा था व्हील बेस, ओके ये टर्म मैं डिस्कस करता हूं, मैं तीन टर्म डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला
व्हील बेस क्या होता है। ठीक है, ये हमारा चेसिस हो गया या कार हो गया, ये हमारा फ्रंट एक्सल, ये हमारा रियर एक्सल। ठीक है, तो फ्रंट एक्सल से रियर एक्सल के सेंटर तक के जो डिस्टेंस होता है उनको हम कहते हैं व्हील बेस। ठीक है, व्हील बेस। दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हील ट्रैक। ट्रैक ही है ना, यस, व्हील ट्रैक। ठीक है, इसको ट्रैक बेस भी कहते हैं, ट्रैक बेस भी कहते हैं। ये क्या हुआ, यहां पर देखो ट्रैक बेस को मैं दूसरे से आपको कलर से डिफाइन कर रहा हूं। ये हो गया व्हील बेस, फ्रंट एक्सल से पीछे वाले, आगे वाले चक्के के एक्सल से पीछे वाले चक्के के एक्सल के दोनों के सेंटर का डिस्टेंस व्हील बेस होता है। और ट्रैक बेस और व्हील ट्रैक क्या हो जाएगा, सेम एक्सल पे दोनों चक्के जो लगे हैं उनके सेंटर से डिस्टेंस, इनको कहते हैं व्हील ट्रैक। ये रियर व्हील ट्रैक हो गया, और आगे वाला जो सेम एक्सल है इस पे जो चक्के लगे हैं उस चक्के के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा फ्रंट व्हील ट्रैक। ठीक है, ये है रियर व्हील ट्रैक। ये दो चीज क्लियर हो गया। अगला है आपका इसी में चेसिस ओवरहैंग, थर्ड है चेसिस, चेसिस ओवरहैंग। ओवरहैंग ये टर्म आप याद रखिए बस, जनरली ज्यादा आपको जरूरत नहीं है इसके डिटेल में जानने का, ये सब टर्म आप याद रखेंगे तो काम आएगा। चेसिस ओवरहैंग, व्हील बेस हो गया, व्हील ट्रैक हो गया, चेसिस ओवरहैंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका है क्या, फ्रंट एक्सल। ठीक है, फ्रंट एक्सल है, तो फ्रंट एक्सल से आपकी चेसिस कितना हैंग है। ठीक है, कितना हैंग है, अगर आप इसको साइड से देखोगे तो मान लो ये वाला पार्ट है तो ये चेसिस ऐसा है ना, ये आपका रियर व्हील हो गया, रियर एक्सल हो गया, ये आपका फ्रंट एक्सल हो गया, तो फ्रंट एक्सल से ये चेसिस कितना आगे है, इधर रियर एक्सल से ये चेसिस कितना पीछे है, इसको कहते हैं चेसिस ओवरहैंगिंग। तो ये तीन टर्म आपको याद हो गया, आपको आगे जाकर समझ में आएगा जब किसी व्हीकल के डिजाइन करोगे तो व्हील ट्रैक, व्हील बेस पे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड होता है। ठीक है, ये सब स्टेबिलिटी डिपेंड होता है, गाड़ी टर्न कर रहे हो तो व्हील बेस कितना रखा जाए या व्हील ट्रैक कितना रखा जाए ताकि इजिली कर्व जो रेडियस होता है वो आपको मिले, बहुत कुछ डिपेंड होता है इस व्हील बेस और व्हील ट्रैक पे। ओवरहैंग की बात है तो जनरली ओवरहैंग इसलिए हम रखते हैं कि हमको एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस मिल सके और अपना कोई ऑक्सिलरी पार्ट्स है जो हम वहां रख सकें, डेंजर वाला जैसे बैटरी वगैरह कोई पार्ट हो गया, इंजन हो गया, जैसे सेंटर पर रख के इसलिए हम करते हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म भी याद हो, आपको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ चेसिस भी हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं चेसिस पे। ठीक है, तो अगला हम देखने वाले हैं चेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंजन फिटिंग। इंजन को हम जहां जहां फिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने वाला हूँ फायदा है उसका क्या है नुकसान है सब। सबसे पहला है, टोटल पांच है। ठीक है, सबसे पहले हम कन्वेंशनल चेसिस के बारे में बात करते हैं, क्या होता है कन्वेंशनल चेसिस में, इंजन फिटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंजन जो हम फिट करते हैं ये ड्राइवर कैबिन हो गया ना, जहां पर ड्राइवर बैठता है, ट्रक की एग्जांपल ले लो, सबसे अच्छा एग्जांपल जो पुराने ट्रक्स आते थे टाटा के या फिर जो पुरानी कार्स वगैरह आती थी, ये ड्राइवर कैबिन हो गया। ड्राइवर कैबिन के आगे यहाँ पे हम इंजन लगाते थे। ठीक है, फ्रंट पे यहाँ पे चेसिस में देखना चाहोगे तो यहाँ पे इंजन लगाते थे। ठीक है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कन्वेंशनल चेसिस। इंजन आर फिटेड इन फ्रंट ऑफ और इन फॉरवर्ड ऑफ द ड्राइवर केबिन, ड्राइवर केबिन के आगे हम यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल चेसिस, कन्वेंशनल टाइप चेसिस। ठीक है, तो जनरली ओल्ड कार्स वगैरह हो गया या ओल्ड मॉडल के टाटा ट्रक्स वगैरह हैं वहां पे आपको ये चीज देखने को मिलता होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है, बाकी तब एडवांटेजेस ये हैं, हमने यहाँ इंजन यूज कर लिया, बाकी का इतना सारा हमको फ्लोर स्पेस मिल गया है, फ्लोर स्पेस, इतना सारा फ्लोर स्पेस मिला, जो करना करो, जितने आदमी बैठाना उतने आदमी बैठाओ, जितना सामान रखना है उतना सामान रखो, एक फायदा है। क्लियर है, एक और चीज है, इंजन आगे रखा है तो इंजन को बाकायदा अच्छा कूलिंग मिलेगा। ठीक, कूलिंग अच्छे खासे कूलिंग मिलेंगे क्योंकि गाड़ी आगे की ओर जब मूव करेगी तो एयर जाएगा ना,
कुजुन भी अच्छी मिलेगी। चलो ये भी अच्छी बात है। इतना कुछ बहुत सही है, लेकिन आगे होने से, ये एक्सल पॉइंट है ना, फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल से आगे इंजन लगा है, तो भाई छोटा सेफ तो होगा नहीं इंजन का, थोड़ा बड़ा ही सेफ है इंजन का। तो उससे कारण क्या होता है, जो आगे का जो पोर्शन है, ड्राइवर को अच्छे से रोड नहीं दिखता है, ड्राइवर को अच्छे से रोड नहीं दिखेगा नीचे वाला पार्ट, क्योंकि इंजन ऊंचा है। तो अब क्या करें, तो ड्राइवर को देख के रोड नहीं दिखेगा नीचे वाला पार्ट, मतलब कुछ मीटर तक, अच्छे खासे 1-1 मीटर तक रोड नीचे नहीं दिख रहा है। तो भाई गाड़ी जब ट्रैफिक, नॉर्मल रोड पर तो चला लगी, ट्रैफिक में चलाया तो भाई ड्राइवर को दिक्कत होगा ये अंदाजा लगाने में कितनी दूरी क्या ये सब, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो लोग क्या किए बाद में, इंजन को थोड़ा सा नीचे, चेसिस को डिजाइन जो बना है, साइड से देखोगे चेसिस को थोड़ा नीचे से ऐसे कर दिए, पीछे से ऐसे बनाते हैं चेसिस, ठीक है, पीछे से उठा हुआ आगे सर का, तो यहाँ पे इंजन रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, और जो आपका मड गार्ड का है, जो बोनट है, बोनट को थोड़ा स्लोप डाल देते हैं, ऐसा स्लोप, ठीक है, ऐसा स्लोप बना देते हैं नीचे की ओर, क्लियर है। इससे क्या होता है, एकदम तो नहीं बट हाँ, पहले के मुकाबले ड्राइवर को ज्यादा अच्छा रोड दिखता है, क्लियर है। तो ये था ओवरऑल कन्वेंशनल चेसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, दूसरा सेमी फॉरवर्ड चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस में क्या होता है, देखो पहले इंजन कहाँ था हमारा, ड्राइवर कैबिन से आगे था ना, ड्राइवर कैबिन में था ही नहीं, इस पार्ट में था। अब इंजन कहीं यहाँ रख देते हैं, मतलब कुछ इंजन का कुछ पार्ट हमारे ड्राइवर कैबिन में होगा, कुछ पार्ट हमारा फ्रंट में होगा, ये हो गया इंजन। यहाँ पहले इंजन ऐसे था, इसको मिटा कर हम इंजन ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट हमारा ड्राइवर केबिन में इधर आ गया इंजन, कुछ पार्ट हमारा फॉरवर्ड टाइप डायरेक्शन में आ गया। ऐसे इंजन को इस प्लेस पे रखने पे इस चेसिस का नाम आ गया सेमी फॉरवर्ड चेसिस। तो जो पुराने टाटा SE सीरीज की जो ट्रक्स व्हीकल्स आती थी टाटा की, उनमें ये चीजें यूज करते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सी टाइप, फुल्ली फॉरवर्ड चेसिस। फुल्ली फॉरवर्ड चेसिस क्या होता है इसमें, इसमें जो इंजन होता है हमारे ड्राइवर केबिन में लगा होता है, जो ड्राइवर केबिन है ना, इसके या इंजन हमारा यहाँ इस चेसिस में, इस पार्ट में हमारा इंजन लगा होता है। तो यहाँ इंजन लगाने से इस चेसिस का नाम हो जाता है फुल्ली फॉरवर्ड चेसिस। टाटा ई सीरीज की जो व्हीकल्स आती थी ना, उनमें यूज करते थे। अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलो अभी नहीं, वो एग्जाम्पल इसके लिए सूट नहीं करेगा। तो इंजन यहाँ रखने से ड्राइवर को जो लुक है वो बहुत अच्छा मिलता है, एज कम्पेयर टू अदर्स ड्राइवर, एज कम्पेयर टू अदर्स मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा है, जहाँ जहाँ ए और बी में जो पढ़ा है, उसके मुकाबले ड्राइवर को जो व्यू है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि इंजन जब यहाँ लगा है तो हम अपना जो सामने वाला बोनट है उसको ऐसे, तो ऐसी गाड़ी, ठीक है। तो ड्राइवर को काफ़ी रोड व्यू जो है, काफ़ी अच्छा रोड का व्यू उसको ड्राइवर को मिलता है इंजन से यहाँ रखने से, इसको होते हैं फुल्ली फॉरवर्ड चेसिस। तो टाटा ई सीरीज वाली जितनी व्हीकल्स हैं उसमें यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ना, अब आया बस चेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इंजन एट रियर, रियर साइड पे हमारा इंजन होगा। इस बार जो इंजन होगा यहाँ पे होगा इंजन, ठीक है, रियर एक्सल के पास बोला जाए तो यहाँ कहीं इंजन होगा। बहुत सारे जो हमारे व्हीकल्स हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप रेनॉल्ड्स की जो गाड़ी हो गए, डॉल्फिन की जो गाड़ी, वॉक्स वैगन की जो गाड़ी हो गए, इंपॉर्टेंट लेलैंड या डबल डेकर जो बसेस हो गए, मैक्सिमम वहाँ पे हम इंजन जो है पीछे की ओर रखते हैं। कुछ फायदा है इससे और कुछ नुकसान में, फायदा ये है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम, हम जो प्रोपेलर शाफ्ट लगाते थे, मतलब अगर हम इंजन यहाँ रखते थे ना, ऐसे इंजन इंजन यहाँ रखते थे, फिर यहाँ से गियर बॉक्स लगाते थे, गियर बॉक्स यहाँ पे क्लच वगैरह लगा देते, फिर प्रोपेलर शाफ्ट से हम यहाँ पे इस एक्सल को कनेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ठीक है। तो ये है प्रोपेलर शाफ्ट, ये झंझट था। तो ये वाला झंझट क्या हुआ, यहाँ पे पावर इसमें, यहाँ पे पावर देना है ना, तो ये प्रोपेलर शाफ्ट यहाँ से यहाँ पावर ट्रांसमिट करने में इसका जो काम है, ये काम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम हम यहाँ रख देते हैं, तो जो पावर ट्रांसमिट वाला जो काम है, ये जो प्रोपेलर शाफ्ट का काम ही यहाँ से खत्म हो जाता है। ये तो एडवांटेजेस हो गया, अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। अगर पाव ये चीज यहाँ रख दिए, मतलब इंजन अगर हम यहाँ रख दिए, ठीक है, इंजन यहाँ पे रख दिए इस व्हील पे, तो भाई इस व्हील को तो पावर मिल रहा है, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग वगैरह सिस्टम है ना, उसके लिए आपको एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा कि ताकि गियर बैठते तो पीछे बैठे तो नहीं चलाते हो ना, बैठने आगे ही चलाओगे ना, तो ये गियर बॉक्स का अरेंजमेंट तो आगे देना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ पावर आएगा इसमें, फिर यहाँ से इधर भेजोगे, तब तो भी कंट्रोल होगा इंजन आपका। जो अरेंजमेंट होता है ये बहुत टफ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दूसरा डिसएडवांटेज सबसे बड़ा, जो कूलिंग इफेक्ट है,
जो कूलिंग इफेक्ट है इंजन को वो कम मिलता है। पीछे है भाई, गाड़ी आगे चल रही है पीछे है, तो भाई कैसे उसको एयर मिलेगा? जितना एयर आगे रखने में मिल रहा था उतना नहीं मिलता। हाँ साइड में थोड़ी डिजाइनिंग कर देते हैं ऐसे कि साइड से एयर घुस जाए थोड़ा, ऐसा तो दिक्कत होता है। तो ऐसी व्हीकल्स हम जनरली जो कोल्ड एरिया है वहां पे यूज करते हैं, ताकि क्योंकि हमें पता है इंजन ज्यादा गर्म हो गया तो भी दिक्कत है, इंजन ज्यादा ठंडा हो गया तो भी दिक्कत है। तो कोल्ड एरिया वाला है ना, ज्यादा ठंडा रहता है वहां पे, तो इंजन ठप पड़ जाता है, तो इसलिए इंजन को हम पीछे यूज करते हैं। और पेट्रोल इंजन यूज करते हैं क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उसका कम है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे जनरली इंजन पीछे यूज करते हैं। तो ये था कुछ इफेक्ट एंड डी इफेक्ट। नाउ लास्ट, अब हम देखने जा रहे हैं, नाउ लास्ट है हमारा इंजन फिटिंग का, इंजन एट सेंटर। अगर इंजन हमारा सेंटर में रहा तो भाई क्या होगा? तो ये लो ना, इंजन सेंटर पर रख दिया, चेसिस के सेंटर पे, चेसिस के सेंटर पे हमने इंजन रख दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, फ्लोर स्पेस जो है, अब जो इसके लिए जो चेसिस बनेगा, साइड से देखोगे चेसिस ऐसा बनेगा, थोड़ा सा नीचे एंड देन अप, ठीक है? तो यहाँ पे इंजन रख दिया तो ये पूरा फ्लोर स्पेस मिलेगा, पूरा फ्लोर स्पेस आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ड्राइवर का जो व्यू है, ड्राइवर के व्यू में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और रही बात है ड्राफ्ट का, तो वो भी साइड से हम प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ड्राफ्ट मिले, मतलब एयर उसको अच्छा मिले, कूलिंग इफेक्ट अच्छा हो, बहुत कुछ है। और क्या फायदा है इंजन सेंटर पर रखने से? फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल, मतलब फ्रंट व्हील और रियर व्हील में है जो हमारा, कभी आगे अगर इंजन हम रख रहे हैं तो आगे वाले व्हील पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो इससे क्या होता है जो व्हील है फ्रिक्शन ज्यादा होगा यहाँ पे, भाई जाहिर सी बात है वेट है तो फ्रिक्शन तो होगा ही, तो वियर एंड टेयर होने का ज्यादा चांस होता है। यहाँ के जो टायर है, टायर को वियर होने का ज्यादा चांस होता है, पीछे रहेंगे तो पीछे वाले टायर को दिक्कत होगा, क्लियर है? सेंटर पर रखेंगे तो बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोड, तो कम होगा एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है? तो ये था इंजन एट सेंटर रखने का ना। तो ओवरऑल हमने बहुत कुछ चेसिस और फ्रेम का डिफरेंस देख लिया, बहुत कुछ इसके बारे में देख लिया। अब हम थोड़ी डिजाइन सेक्शन में चलते हैं, ठीक है?